खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। किन तीन बैंकों ने बढ़ा दिया कर्ज, क्यों सस्ता पड़ेगा बाहर खाना और किन दो कंपनियों ने बढ़ाए हैं ई स्कूटर के दाम, बताएंगे आपको आज के बुलेटिन में। खबरें और भी हैं बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी हुई, तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। देश के बड़े बैंकों में शुमार पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक ने कर्ज की दरों में किया इजाफा। इन तीनों बैंकों ने सभी अवधि के लिए एमसीएलआर में 5 से 10 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी। तीनों बैंकों की नई ब्याज दरें 1 जून से हो चुकी हैं प्रभावी। पंजाब नेशनल बैंक की एक साल वाली एमसीएलआर 8.5% से बढ़कर अब हो गई है 8.60%। बैंक ऑफ इंडिया की एक साल वाली एमसीएलआर हो गई है 8.65%। वहीं आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी एक साल वाली एमसीएलआर को 5 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर कर दिया है 8.75%। अधिकांश ग्राहक कर्ज की ब्याज दर एक साल वाली एमसीएलआर के आधार पर होती है तय। ऐसे में होम, कार और पर्सनल लोन के लिए चुकानी होगी ज्यादा ईएमआई। नोएडा में हजारों लोगों के डेटा और जाली दस्तावेज के आधार पर 15,000 करोड़ रूपये की ठगी करने वाले गिरोह का हुआ खुलासा। फर्जी कंपनियों के जरिए जीएसटी का रिफंड लेते थे गिरोह के सदस्य। आरोपियों के पास से 2660 फर्जी कंपनियों की मिली सूची, 8,000 लोगों के पैन कार्ड का बरामद हुआ ब्यौरा। करीब 5 साल से चल रही थीं ये फर्जी कंपनियां। बड़ी संख्या में बनाए जा रहे थे जीएसटी के फर्जी बिल और इनके जरिए रिफंड लेकर की जा रही थी धोखाधड़ी। गिरोह से 50 लोगों के जुड़े होने का है अनुमान। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में हुई कटौती। 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ 83.50 रूपये सस्ता। लगातार तीसरे महीने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में की गई है कटौती। इससे पहले 1 अप्रैल को दाम 91.50 रूपये और 1 मई को 171.50 रूपये घटाए गए थे। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर का दाम 1856 रूपये से घटकर अब हो गया है 1773 रूपये। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में नहीं हुआ है कोई बदलाव। होटल और रेस्टोरेंट्स चालकों की घटेगी लागत, जिससे बाहर खाना पीना हो सकता है अब सस्ता। सरकार कर रही है नई औद्योगिक नीति पर काम, अंतर मंत्रालयी समिति कर रही है इस पर विचार विमर्श। सरकार नई औद्योगिक नीति से करना चाहती है वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल तैयार। 1956 में बनी थी देश की पहली औद्योगिक नीति, दूसरी औद्योगिक नीति आई थी 1991 में। अब तीसरी औद्योगिक नीति पर चल रहा है काम। नए और उभरते उद्योगों पर आधारित होगी नई औद्योगिक नीति। विचार विमर्श के बाद मंजूरी के लिए इसे भेजा जाएगा मंत्रिमंडल के पास। विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी नई औद्योगिक नीति। मई में व्हाइट कॉलर जॉब में नहीं हुआ कोई बदलाव। नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स के अनुसार मई में व्हाइट कॉलर जॉब के निकले कुल 2849 विज्ञापन। एक साल पहले ये संख्या थी 2863। मई में तेल और गैस क्षेत्र में निकली सबसे ज्यादा वैकेंसी। इस क्षेत्र की नई नौकरियों में हुई 31% की बढ़ोतरी। आईटी क्षेत्र में नई नियुक्तियों में आई 23% की गिरावट। आईटी क्षेत्र की नियुक्ति गतिविधियों में कमी से बढ़ी चिंता। आगे आने वाले महीनों में बढ़ सकती है बेरोजगारी दर। ओला एथर ने बढ़ाए ई स्कूटर के दाम। ओला S1 स्कूटर की कीमत 15,000 रूपये तक बढ़ी। एथर ने 450X ई स्कूटर की कीमत 32,500 रूपये बढ़ाई। सरकार के FAME II सब्सिडी घटाने के बाद इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनियों ने बढ़ाए हैं दाम। बाकी कंपनियां भी जल्द कर सकती हैं इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम बढ़ाने की घोषणा। इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वालों की जेब पर अब पड़ेगा अतिरिक्त बोझ और ईवी की बिक्री पर पड़ सकता है इसका प्रतिकूल असर। पेट्रोल डीजल की बिक्री मई में अच्छी खासी बढ़ी। डीजल की मांग 9% से ज्यादा बढ़कर 74.6 लाख टन रही। कृषि क्षेत्र में मांग बढ़ने और गाड़ियों में एसी के अधिक उपयोग से बढ़ी डीजल की मांग। पिछले महीने अप्रैल में डीजल की मांग बढ़ी थी 6.7%। पेट्रोल की बिक्री इस साल मई महीने में 10.4% बढ़कर हुई 30.8 लाख टन। देश में TCS और RIL हैं सबसे मूल्यवान ब्रांड। इंटर ब्रांड रैंकिंग की 50 सबसे ज्यादा मूल्यवान भारतीय ब्रांड की लिस्ट में TCS 1,09,000 करोड़ रुपए के ब्रांड मूल्य के साथ है टॉप पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज 65,320 करोड़ रुपए के ब्रांड मूल्य के साथ दूसरे स्थान पर है। आईटी कंपनी इन्फोसिस 53,323 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू के साथ तीसरे पायदान पर है। जियो 49,027 करोड़ रुपए के साथ टॉप 5 कंपनियों में है शामिल। लिस्ट में शामिल सभी कंपनियों का कुल मूल्यांकन है $100 अरब। टॉप 10 में शामिल हैं एयरटेल, LIC, महिंद्रा, SBI और ICICI। तो खबरों के लंच बॉक्स में बस इतना ही। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हर अपडेट के लिए आप मनी9 के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और सुनते रहिए रेडियो मनी9। मैं हूं अमन गुप्ता, इस बुलेटिन को लिखा है आंचल चौधरी ने। चलता हूं, नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।